जैसे पहला क्लास, जैसे ब्लड रिलेशन, क्या मतलब, जैसे पहला क्लास ब्लड रिलेशन का छोटा था, उसी टाइप से ये वाला क्लास छूटेगा तो प्रॉब्लम होगा। आज वाला ही क्लास इम्पोर्टेंट है, इसके बाद जो भी होते हैं क्वेश्चंस होते हैं। दे ऋतिक, बार बार आप माइक ऑन कर दे रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, नहीं तो फिर देखो ना, अभी तक क्लास है, दलान बना दिया है सब। चैप्टर का नाम लिखो रीजनिंग में, डाइस। और इसको हिंदी में क्या बोला जाता पासा, यादित्या सिंह कौन है? यादित्या कौन है? एडमिशन लिए हैं भाई आप? एडमिशन लिए हैं? पेमेंट हो गया? किस नाम से? आदित्य के नाम से? हाँ अच्छा, आज ही लिए थे ना, हाँ रोल नंबर ले लीजिएगा। अनन्या नहीं लगाई रोल नंबर, सबका अनन्या नहीं लगाई है रोल नंबर, सबका तो लग रोल रहा है। नंबर ट्राई किया, नहीं ये लगा सर, अविनाश मेरा कौन रोल है? नंबर 8 है सर, अविनाश, भूल गए थे। लगा लीजिएगा। चंदन कौन है? चंदन ग्रुप में है? चंद यस सर, रोल नंबर नहीं मिला आपको? मिल गया सर, 12 रोल नंबर दिमांशु, है। यस सर, हेलो, यस सर, 17 रोल नंबर है। ये नजीम नाज 16 जो है वो दो दो मोबाइल में खोले हुए है क्या? यस सर, दोनों अकाउंट बना हुआ है तुमको। दो दो मोबाइल में क्लास कर रहे हैं। नहीं, एक एक से कर लैपटॉप, रहा है, लैपटॉप। 71 लड़का है अभी ना, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो 71 तो प्रॉब्लम नहीं होगा। लिखो डाइस, पासा, क्या नाम है? डाइस, रिकॉर्ड हो रहा है ना क्लास? डाइस को देखे हो? जी सर, देख लिए एक मिनट, देख लिए, ठीक किए, पर मेरा जो काम है वो मेरे को करने दो। चलो अच्छे से पढ़ेंगे, आज वाला ही क्लास इम्पोर्टेंट है। एक मिनट भाई, मेरे सबको हो जाएगा। हेलो सर, हाँ भाई, एक क्वेश्चन था सर, अंत में पूछिएगा। कहाँ गया डाइस? कहाँ गया भाई डाइस, कहाँ गया? यहीं पे था ना। कर लीजिए। किस नाम से डाउनलोड हुआ ये भी तो नहीं मालूम है। होगा यहीं पे, देखना ना। कहाँ चला गया? डाउनलोड में होगा सर, डाउनलोड में। मिनट, एक मिनट, ऊपर में डाउनलोड है सर, उसमें होगा। इसी में था भाई मेरे। डेस्कटॉप में ही तो डाले थे। सेव इमेज एज, डेस्कटॉप में ही तो है ओरिजिनल करके। चलो इसको
ब्लड रिलेशन वाले में डालते हैं। डाइस लिख लिए तुम लोग? यस सर। यस सर। कहाँ कहाँ है? बहुत बहुत सारा डाइस देखे ना, ये देखो, यस सर। इसी को कहते हैं डाइस। डाइस में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें सतह कितनी होती है? इसमें डाइस में 6 सतह होती है। देखो कौन कौन। एक एक, दो, तीन। एक नीचे होगा ना, एक नीचे होगा। चार, एक इसके दो के बाद 5 यहाँ पर होगा, 6 यहाँ पे होगा। तो कितने सतह हो गए? 6 सतह। बोलेगा क्वेश्चन की डाइस में एक पासे में कितने सतह होते हैं? 6 सतह। ठीक है, 6 हुआ ना। अब आ जाओ, कितने एज मतलब कि भुजाएं, ये जो इसको कहते हैं ना भुजा, 12 हाँ, तो कितने बारह कितने भुजाएं बारह होंगी? काउंट करते हैं। देखो, बारह 1 2 3 4, 4 हो गया ना। 5 6 6 7, एक इसके पीछे होगा, 8 होगा ना, बाकी एक 9 10 11, और उधर से एक 12। 12 हुआ या नहीं हुआ? तो कितने भुजाएं कितनी हुई? बारह भुजाएं हुई। लिखते जाइएगा, 6 सतह होती है, 12 भुजाएं होती है। अगला में देखिए, कोण कितने होते हैं? आठ आठ किनारे सर। वीडियो रुक गया। हेलो सर। रुक गया? नहीं रुक गया, ठीक तो है। तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है। बोलेंगे तब ना आवाज आएगा भाई मेरे। अच्छा, ये भी एक डाइस है। डाइस है ना, अब दिखाई देगा सही। इसको फिल कर दे क्या अलग अलग कलर से, तो ज्यादा समझ में आएगा। पर ये फिल क्यों नहीं हो रहा? यस रुको, ये अलग अलग कलर से फिल सही से हो नहीं रहा। इसी से किए थे, इसको भी कर दो। और उधर तो हो ही गया, और इसको भी कर दो। लो, एक वाइट कर दीजिए। इसको भी कर दो। 6 वो दिखाई दे रहा है, इसको भी पूरा को कर दो अलग से, तब समझ में अच्छे से आएगा। इसको, अरे यार ये उल्टा पुल्टा हो गया, छोड़ो। देखो इसमें इसमें 6 सतह होता है। 6 सतह कौन कौन होते हैं? पहला ये वाला ऊपर वाला हुआ या नहीं हुआ? दूसरा ये दूसरा सामने वाला हुआ। ऐसा तीसरा ये वाला हुआ। चौथा ये वाला हुआ। पांचवा इसके पीछे वाला हुआ। छठा नीचे वाला हुआ। ऐसा ठीक है, 12 भुजाएं कौन कौन हुई? देखो काउंट करना, 12 भुजाएं कौन कौन हुई इसकी। आ जाओ, पहला ये, एक हाँ दो तीन, ये सब कॉन्सेप्ट आगे क्लियर होगा, तुम देखते जाओ ना, हम अभी आराम आराम से पढ़ा रहे हैं। 4, 4 ऊपर हो गया, 4 देखो नीचे आ चार जाएगा। छह एक चार बगल में दो बारह तीन 4 हो गया ना। 8, एक 9, एक पीछे 10, एक 11, एक 12। 12 बारह भुजाएं हो गई ना। अब देखिए कोण कितने हैं, कॉर्नर कितने हैं? आठ कॉर्नर कॉर्नर काउंट करते हैं। अब देखिए, एक कॉर्नर हुआ, एक आठ है सर। आठ है दो हुआ, तीन हुआ,
चार हुआ, पांच हुआ, छः, छः, सात, आठ। आठ, तो आठ कॉर्नर होते हैं, आठ कॉर्नर होते हैं, ठीक है। अब देखो डाइस में क्या होता है कि डाइस में क्या होता है कि डाइस के जो अपोजिट सतह होते हैं, विपरीत सतह हाँ वो दिखाई नहीं देते हैं, देते हैं दिखाई देते नहीं हैं। देखते नहीं जैसे कि इस वाले छे के पीछे कौन है ये दिखाई दे रहा है, या इस पांच के पीछे देखते कौन है वो दिखाई दे रहा है, ये चार के नीचे कौन है वो नहीं दिखाई दे। तो डाइस में क्या होता है, विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती है। और जैसे ए बी, ये देखो इसको लिखो, मान लो ए बी सी डी लिखो, ए बी, आराम आराम से समझना, समझाएंगे, सी डी ई एफ जी एच, कोई छूटा भी। हम आपसे पूछेंगे कि सी डी ई जी, सी डी ई जी के अपोजिट में कौन सी सतह है। ए बी एफ एच, ए बी एफ एच है ना भाई, ए सी डी ई जी के पीछे कौन है, ए बी एफ एच है ना, कंफ्यूज कर रहे हो क्या। यदि हम आपसे बोलेंगे कि बी सी जी एच के अपोजिट कौन है, तो आप क्या बोलेंगे कि ए ए डी एफ सी एफ ई ई एफ है। तो इतना इसके अपोजिट सतह को आप लिख लीजिए, ठीक है। सामान्यतः पासे पर क्या होता है, पासे पर क्या होता है कि पासे पर 1 से 6 तक के अंक लिखे होते हैं, लिखे होते हैं ना। सामान्यतः पासा पे क्या होते हैं, 1 से 6 तक के अंक लिखे होते हैं। ये सेव नहीं होगा, एक मिनट एक मिनट। अब इसमें दो तरह के पासे होते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। 6 तक लिखा हुआ रहता है, दिखाई दे रहा है सबको। अब देखिए पासे दो तरह के पासा होता है, दो तरह का पासा होता है। पहला पहला जो होता है वो सामान्य पासा होता है। क्या इसको कहते हैं, लिखो सामान्य पासा। पहला होता है सामान्य पासा, ठीक है, हाँ। और दूसरा जो होता है मेरे दोस्त, दूसरा होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डाइस, मतलब इसको को बोलते क्या है, मानक पासा, मानक पासा, मानक पासा। अब देखिए सामान्य पासा के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले सामान्य पासा किसको कहते हैं, सामान्य पासा में क्या होगा कि किन्हीं निकटवर्ती दो सतहों का, रुको, और दूसरा एक मानक पासा, एक ये नाम जी, चलो और किन्हीं को, और किसी को ले लेते हैं कि आपको समझाने में आसानी हो, इसको ले लेते हैं। आ जाओ आराम आराम से समझो, अभी हम पढ़ाने के मूड में धीरे धीरे आ रहे हैं, थोड़ा सा। कौन कौन किए थे डाउनलोड, ये किए थे ना, स्टैंडर्ड आइकन, सब इसी में हो जाएगा सारा कुछ। और एक ये किए थे, ये दो पासे आपके सामने दिखाई दे रहा है, दो पासा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग नॉर्मल पासा,
नॉर्मल पासा के बारे में पढ़ते हैं। नॉर्मल पासा हम यहाँ पे यदि लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ये ऊपर वाला सतह है, तो ऊपर वाले सतह में लिख देते हैं 2, यहाँ पे क्या लिखते हैं 5, और यहाँ पे लिखते हैं 3, ठीक है। और फिर एक अगला उदाहरण भी इस वाले में देखो, इस वाले पासा में देते हैं, 4, 3 और 2, ये देखो 4, 3, 2। अब नॉर्मल ये सामान्य पासा में क्या होता है, सामान्य पासा में किसका माइक ऑन है भाई, सामान्य पासा भगा देंगे। 28 माइक्रो सामान्य पासा में क्या होता है, जिसका दो निकटवर्ती, निकटवर्ती कहने का मतलब साथ साथ जो है, तो 3 और 5 निकटवर्ती है या नहीं है पहले ये बताओ। यस 3 5 निकटवर्ती है, पड़ोस में है इसके, यस 2 और 5 पड़ोस में है, यस 3 और 2 पड़ोस में है, यस उसी टाइप से यहाँ 4 और 2 पड़ोस में है, तीन दो भी पड़ोस में है, 4 3 भी पड़ोस में है ना। तो जब ऐसा पासा दे आपको कि निकटवर्ती पासा का योग यदि 7 हो जाएगा, यदि निकटवर्ती सतहों का योग, लिखो निकटवर्ती सतहों का योग, निकटवर्ती, निकटवर्ती मतलब करीबी, नजदीक, नियरेस्ट, निकटवर्ती सतहों का योग, निकटवर्ती सतहों का योग यदि 7 हो जाए, योग मतलब प्लस, उनका ऐड यदि 7 हो जाए तो वो क्या होता है, नॉर्मल पासा होता है। क्या होता है, नॉर्मल पासा होता है ना, नॉर्मल पासा, नॉर्मल डाइस लिखो ना यार, पासा लिखते हैं, नॉर्मल पासा होता है। ये समझ गए क्या होता है, यहाँ 5 प्लस 2, ये दोनों को ऐड करोगे तो 7 होगा कि नहीं होगा, होगा ये 4 प्लस 3 को ऐड करोगे तो 7 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो हम बोल सकते हैं कि ये मान लिया जाए ये ए है और ये बी है, तो ये दोनों बोलेंगे, सवाल यदि पूछेगा निम्नलिखित में, तो 4 सवाल दे देगा और 4 ऐसा ऐसा फिगर दे देगा, बोलेगा निम्नलिखित में कौन नॉर्मल पासा है, तो बता दोगे, सर। आस पास का ऐड कर लेना, आस एग्जाम में फिगर आएगा तो फिगर नहीं आता एग्जाम में, आस पास फिगर नहीं आता है, फिगर वाला एग्जाम पूरा फिगर आता है, नॉन वर्बल में पूरा फिगर ही रहता है। तो इसमें क्या है, नॉर्मल, ये नॉर्मल डाइस पकड़ लो भे, करो सर, जरूरी एक साथ ही आएगा। हो गया क्या, अब बोलिए क्या साथी आएगा, सर 3 और 2 तो 5 भी हो सकता है, पर हम आपको और बताए कि आए, 4 और अरे तुमको भाई तो बताया गया कि 7 होगा तो ही होगा। यहाँ पे बाय द वे हम 6 लिखते हैं, यहाँ 1 लिख देते हैं, तभी ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल पासा हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 2 आ गया, फिर भी ये हो गया 5 2 7, नॉर्मल पासा मतलब कि ये नॉर्मल पासा हो जाएगा। स्टैंडर्ड पासा में देखे हो, एक चीज हम आपको स्टैंडर्ड पासा दिखाते हैं, स्टैंडर्ड पासा शुरू में ही हम लगता है ले लिए हैं, स्टैंडर्ड पासा से कभी खेले हो, पासा से लूडो खेले हो, लूडो यस में, लूडो में कभी भी देखोगे, लूडो में कभी भी देखोगे कि एक साथ 7 नहीं हो सकता है, कभी भी, जब भी होगा तो उसका एड अपोजिट होगा, जैसे 1 के उल्टा 6 आता है, तब बच्चा में चोरी करने के लिए पहले 1 को ऊपर रखते थे और उसके बाद नीचे करते थे, यही करते थे नीचे ना, छे। हाँ याद है, चोरी करने के लिए जब खेलते थे कि 6 आ जाए तो उसके लिए 1 ऊपर करते थे, तो यस वही स्टैंडर्ड डाइस होता है। स्टैंडर्ड डाइस जो आप देखो, ये वाला जो है वो स्टैंडर्ड डाइस है, ये तो नॉर्मल डाइस है भाई, ये नॉर्मल डाइस है। अब ये हम आपसे सवाल पूछेंगे कि ये नॉर्मल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है, तो क्या बोलोगे, नॉर्मल अंकों का योग देखो यहाँ पे 7 हो रहा है, 7 हो रहा है ना, यहाँ भी 6 1 7 हो रहा है, कभी भी स्टैंडर्ड डाइस में आप ऐसा देख सकते हो। तो ये स्टैंडर्ड डाइस हम सर्च, हम स्टैंडर्ड डाइस सर्च किए तो यहाँ क्या गया, वे बहुत इरिटेट कर रहे हो आज यार क्लास में, पहले उठ लीजिए।
म्यूट कर देते हैं तो तुम लोग को प्रॉब्लम होता है, इसलिए म्यूट नहीं करते हैं कि चलो जाओ। सर इतना ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है, आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा। अथाह करता है प्रॉब्लम ये लोग, हम आराम आराम से कान समझ। फट रहा है सर, कान फट रहा है, पता नहीं कौन खोल रखा है माइक। पहले देखिए तो भाई कौन माइक खोले, हम हटाएंगे क्लास से निकाल देंगे उसको। हम आराम आराम से पढ़ा रहे हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, और ये थोड़ा सा हार्ड है। अभी आपको आसान लग रहा होगा, जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना इसमें तो आप बहुत गलत इसमें करोगे, इसलिए हम थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं कि आप आराम आराम से पढ़ो। कहाँ डाउनलोड हुआ भाई ये देखो, स्टैंडर्ड पासा कभी भी देखोगे, इसको देखो स्टैंडर्ड पासा कभी भी देखोगे तो क्या होगा कि इसके अपोजिट यदि छ है, यदि छ है तो छ के अपोजिट जो होगा एक होगा। छ के अपोजिट क्या होगा? एक होगा। छ के अपोजिट ही एक होता है ना स्टैंडर्ड पासा में। तो हम आपसे सवाल करेंगे कि एक स्टैंडर्ड पासा में छ के विपरीत अपोजिट में कौन होगा, तो क्या बताएंगे आप? एक होगा कि नहीं होगा? अब हम आपसे पूछेंगे कि चार के विपरीत में कौन सा हो? माइक ऑन है, बंद करने के लिए कहिए। किसका? वर्ल्डी तुम्हारी। माइक ऑफ कर दीजिए, म्यूट ऑल। आवाज नहीं जा रहा है मेरे घर से, वही लोग फूंक रहा है। अब देखिए चार के विपरीत बोलेंगे, चार के अपोजिट, चार के हम अपोजिट बोलेंगे तो क्या होगा? तीन होगा ना, तीन के होगा। यदि हम देखो ये वाले सवाल में, ये वाला सवाल में, ये जो सवाल है इसको आप देखिए, और हम आपसे पूछते हैं कि भाई साहब बताइए कि एक का अपोजिट क्या होगा। इसमें एक का अपोजिट इसमें क्या होगा? पांच बताइए। दो होगा। एक का अपोजिट इसमें क्या होगा? ये पहले सबसे पहले देखिए ना, वही बोल रहे हैं कि धीरे धीरे ये। अरे किसको कट 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 करता है? ये क्या हो गया? आ जाओ समझ में, धीरे धीरे आएगा ना, हल्ला कीजिएगा तो समझ में आएगा। सबसे पहले ये कौन सा पासा है? एकदम जिसके पास ईयरफोन है वो बोलेगा। सामान्य पासा है, सामान्य पासा है, नॉर्मल डाइस है। अच्छा इतना तो समझ रहे हो ना कि नॉर्मल डाइस है, ये नॉर्मल डाइस है। क्योंकि नॉर्मल डाइस कैसे हुआ सर? नॉर्मल डाइस हुआ सर कि ये पांच दो सात इस, अरे बोल रहे ना जिसके पास ईयरफोन है वो माइक ऑन करेगा। कनेक्शन है खराब। किस 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 के? सर कौन है? कुमार है। मेरा बोलो तो खराब। ऋतिक निकाल दे कॉल से आपको। हाँ एक बार छोड़ दीजिए सर। अब माइक ऑन नहीं होना चाहिए आपका, आपका खराब, जिसका ईयरफोन खराब है ना, माइक ऑन मत करो। ईयरफोन लगा के, और जिसके पास ईयरफोन नहीं है वो माइक ऑन मत करना। अच्छा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आराम आराम से पढ़ा। देखो ना अभी भी इसका माइक ऑफ नहीं है, हो भी नहीं रहा मेरे से म्यूट ना जाने की। चलो म्यूट है, एकदम अजीब है। कह रहे हैं कि थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है, थोड़ा सा हार्ड है, अभी कुछ नहीं आया। नॉर्मल हम आराम आराम से पढ़ा रहे हैं अभी। तो सबसे पहले जिसके पास देखो ईयरफोन है वो बोलेगा माइक ऑन करके, जिसके आस पास शांति है, बिना ईयरफोन वाले तो बिल्कुल मत बोलना, हम भगा देंगे। दूसरा सबसे पहले हम देखेंगे कि सर ये कैसा पासा है। तो सर ये छे और एक सात यहाँ पर हो गया, मतलब कि ये नॉर्मल पासा है। अब नॉर्मल पासा है तो एक का अपोजिट यदि हम पूछेंगे तो देखो एक का,
एक का अरे बार बार कर कौन कर रहा है? बार बार बोलोगे ना? रहा है आदित्य 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 कुमार बोल रहा आदित्य सिंह पहला क्लास है भाई, पढ़ लो पहला ही। मैं। एकदम आज नहीं पढ़ाने देगा, आज बढ़िया चीज हम सोच के आए कि पढ़ाएंगे तो पढ़ाने ही नहीं देगा सब। अब देखो समा इसका एक का अपोजिट यदि पूछेगा तो ये 6 होगा, नहीं होगा क्योंकि ये बगल में है। 3 होगा, नहीं होगा क्योंकि ये भी बगल में। तो इन दोनों को छोड़कर आपके सवाल में एक का अपोजिट होगा तो क्या होगा? 2 भी हो सकता है, हो सकता है या नहीं हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। 2, 4, 5 कुछ भी हो सकता है एक का अपोजिट। यदि हम 6 का अपोजिट बोलेंगे, 6 का अपोजिट बोलेंगे तो क्या हो सकता है? 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो ये इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप बना देंगे कि क्या अपोजिट होगा, फिर कैसे कैसे क्या। अरे चुप रहो, अब इस टाइप के सवाल आएगा तो बना देंगे। अब देखिए स्टैंडर्ड भाषा में देखते हैं, देखो स्टैंडर्ड ऑप्शन आपका 2 भी हो सकता है, 1, 2, 4, 5 तीनों भी हो सकता है। पहले अजीत से माइक बंद कराइए। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 2 भी हो सकता है, ये एक नॉर्मल पासा है, यह एक सामान्य पासा है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड पासा में क्या होता है कि अपोजिट जो भी होता है उसका एड 7 होता है। जैसे एक का अपोजिट 6 होता है तो उसका एड 7 होगा, ये होता है स्टैंडर्ड पासा में। स्टैंडर्ड पासा में जैसे कि ये देखिए ये 2 है तो इसके अपोजिट यदि हम बात करेंगे, इसके अपोजिट कौन होगा तो इसके अपोजिट यहाँ पर इसके पीछे 5 होगा। तो स्टैंडर्ड पासा मानक पासा जिससे आप खेलते हैं, जिससे आप खेलते हैं उस पासा में क्या होता है, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ ऊपर में 4 है तो इसके नीचे वाले में 3 होगा। तो स्टैंडर्ड पासा में क्या होता है कि अपोजिट साइड का जो ऐड होता है, अपोजिट साइड का ऐड होता है वो 7 होता है, वो 7 होता है। परंतु नॉर्मल पासा में क्या होता है, नॉर्मल पासा में होता है कि जो बगल में होते हैं, कोई बगल में निकटवर्ती जो बगल में होते हैं उनका ऐड 7 होता है, उनका ऐड 7 होता है। यदि ऐड 7 नहीं हो रहा है, जैसे ऐड 7 नहीं हो रहा है तो वो स्टैंडर्ड पासा है। जैसे एक उदाहरण हम आपको देते हैं, एक उदाहरण देते हैं, इससे तो पासा मेरे से बन नहीं रहा है, भूल गए पासा भी बनाना। ये पासा के जैसा दिखाई दे रहा है ना? अब दिखाई दे रहा है? अब देखो यदि हम यहाँ पे लिखते हैं, ये ऊपर वाला सतह है, याद करना, ये ऊपर वाला टोटल ऊपर वाला सतह है। यहाँ पे यदि हम लिखते हैं देखो 4, यहाँ पे लिखते हैं 5 और यहाँ पे लिखते हैं 3, नहीं यहाँ पे लिखते हैं 1, यहाँ पे सामने वाले पे लिखते हैं, ये सामने वाला है। ठीक है, ये सामने वाला है, ये सामने वाला है, बन ही नहीं पा रहा है पासा मेरे से सही से। ये सामने वाला है, याद करना, ये सामने वाला है। तो अब ये बताओ, सबसे पहले हम आपसे क्वेश्चन करेंगे तो आप ये बताओ कि ये नॉर्मल डाइस है, ये नॉर्मल डाइस है या आपका ये स्टैंडर्ड डाइस है? इतना समझ गया ना सारे लोग, ये नॉर्मल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है? अब हम यदि हम पूछेंगे आपसे, यदि हम अब पूछेंगे कि एक का अपोजिट इसमें क्या होगा, तो यहाँ एक का अपोजिट आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर हम पूछेंगे 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट यहाँ पे 2 हो जाएगा। सही
सर मेरा क्लास नहीं चल रहा है आदित्य सिंह, दूसरे ईमेल आईडी से ज्वाइन कीजिए, आपको रिमूव कर दिया गया है, बार बार आपका माइक ऑन रहता था। चलो चार का, अब हम बोलेंगे कि चार का अपोजिट क्या होगा, तीन। तो तीन हो जाएगा, ठीक है। ये एक चीज देखो, ये एक चीज समझ गए, दूसरा हम देखो आपको फिर समझाते हैं, दूसरा समझाते हैं, कैसे समझाएंगे? फिर से समझाएं। यस अस्टेंडर पासा में क्या होता है बाबू, सुनो, दो टाइप के सर। पास, एक नॉर्मल पासा होता है, एक नॉर्मल डाइस, एक स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस कहने का जिसे आप खेलते हैं, जिससे आप खेलते हैं उनका जो भी विपरीत सतह होगा, विपरीत सतह कहने, विपरीत सतह अपोजिट, जैसे यहां पर एक है इस वाले, माइक ऑन नहीं कीजिएगा, जैसे ये स्टैंडर्ड पासा है, तो देखो ये वाला जो पासा है वो यदि स्टैंडर्ड है, यदि ये स्टैंडर्ड पासा है तो इसके देखो ये चार है ना, तो इसके छह, ये चार है तो इसका विपरीत सतह सबसे पहले बताओ कौन होगा, विपरीत सतह क्या होगा, ठीक नीचे वाला होगा ना, तो वो तीन होगा, वो तीन होगा, तभी तो चार तीन प्लस ऐड करेंगे तो सात होगा, सर। प्लस सात हो जाएगा, विपरीत सतह का अपोजिट सतह का ऐड सात होगा, और नॉर्मल डाइस में निकटवर्ती पड़ोसी वाला सतह जो होगा उसका ऐड सात होगा। नॉर्मल तो इतना अच्छे से समझा रहे हैं कि पड़ोसी वाला का यदि जोड़ ऐड सात हो तो नॉर्मल डाइस, अब यदि सात ना हो तो वो स्टैंडर्ड डाइस है, और स्टैंडर्ड डाइस में उल्टा वही होता है, जैसे स्टैंडर्ड डाइस में चार बोला जा रहा है और बोलेगा इसका उल्टा क्या है, तो सात बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, तीन जोड़ देंगे, वही हमारा उत्तर होगा। जैसे दो है और बोलेंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, इसका दो का अपोजिट क्या है, तो ये आपका पांच हो जाएगा, तब ना सात बनेगा। और नॉर्मल डाइस में जैसे एक का अपोजिट, बचपन से लूडो खेलते हो फिर भी कैसे प्रॉब्लम होता है, बचपन में एक का अपोजिट क्या देखते थे, छह देखते थे कि नहीं देखते थे, दो का अपोजिट क्या देखते थे, पांच देखते थे, चार का अपोजिट तीन रहता था, नहीं रहता था, तो वैसे ही ये जो है वो स्टैंडर्ड डाइस का है, तो स्टैंडर्ड डाइस में अंक रहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस में अंक। अब हम आपसे यदि पूछेंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि दो का विपरीत, यदि स्टैंडर्ड डाइस है तो दो का विपरीत अपोजिट में क्या होगा, पांच होगा। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइस बना दिए, अब हम यहाँ पे देखो दूसरा डाइस बनाते हैं। अब ये देखो पहले बताओ ये कौन सा डाइस है, ये छे है और ये हो गया तीन, मान लो ये तीन मान लो, तो ये क्या है, सबसे पहले तो ये पकड़ना, सबसे पहले आपको पकड़ना है, सबसे पहले पकड़ना है कि आपके ये स्टैंडर्ड डाइस है या आपका एक नॉर्मल डाइस है, तो ऐड कर लोगे, 639, 639, 314, 617, सर यहाँ पे खेला खत्म हो गया सर, 617 हो गया, इसलिए एक सबसे पहला आंसर कि ये नॉर्मल डाइस है। अब नॉर्मल डाइस है तो हम आपसे पूछेंगे आगे जो क्लास होगी ना, आगे जो डाइस हम आपको भी पढ़ाएंगे वो नॉर्मल डाइस पे ही होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस का तो एक ही कॉन्सेप्ट है कि अपोजिट वाला जो रहता है उसका ऐड सात होता है, समझ गए ना, अपोजिट वाले का ऐड सात होता है, एक का अपोजिट क्या होगा, छह होगा, पांच का अपोजिट क्या होगा, इन दोनों को जोड़ो क्या होगा, सात, इन दोनों को जोड़ो सात, इन दोनों को जोड़ो सात होगा, फिर यदि और कोई छूटा नहीं ना, छूटा बस, तो चार का अपोजिट तीन होता है, पांच का दो होता है, एक का छ होता है, यही स्टैंडर्ड डाइस का सिस्टम यहीं तक है। ये सबसे पहले नॉर्मल डाइस है, नॉर्मल डाइस है तो देखो कैसे नॉर्मल डाइस हुआ सर, कि ये देखिए इसका पड़ोसी, इसको पूरा को रंग के बदल, अजीब बेवकूफ जैसा ये है, वो भरो ना, पूरा भर गया, ये देखो ये वाला पूरा रंग दिए है ना, अरे भाई तो हम ये पूरा रंग दिए हैं, तो अब देखो छे के अपोजिट, ये छे के अपोजिट बोलेंगे तो छे का अपोजिट क्या होगा, मतलब किसके बारे में हम बोल रहे हैं, हम आपके इसके बारे में पूछ रहे हैं, हम आपके इसके बारे में, हाँ अब सही से कलर हो रहा है, अब समझ में आ रहा, अब हो रहा है ना सही से कलर, हाँ। तो देखो छे का अपोजिट कौन है, वो वाला है जो कलर किए हैं दोनों, तो छे का अपोजिट देखो, इसका पड़ोसी कौन कौन है,
सबसे पहले तो ये सामने वाला इसका पड़ोसी है एक, है ना, ये सामने वाला एक इसका पड़ोसी है, ये सामने वाला इसका पड़ोसी है कि नहीं है, यस सर। ये सामने वाला इसका पड़ोसी है, और इसका पड़ोसी कौन है, तीन वाला ये पड़ोसी है, इसका तीन वाला पड़ोसी है ना। अब देखो, अब छह छिप गया, तो ये सामने वाला भी एक भी नहीं होगा, ये तीन भी नहीं होगा, तो कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, दो चार पांच, दो चार पांच हो सकता है ना। यही एक अस्टेंडर यदि पाए रहता पासा, मतलब कि यहाँ पे क्या लिख दे, पांच लिख दे, यहाँ पर क्या लिख दे, पांच लिख दे, पांच लिख दे, तो ये अस्टेंडर पासा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कैसे सर हो जाएगा, कि सर पांच तीन आठ है, पांच एक छ है, तीन एक चार हो गया, मतलब किन्हीं को भी ऐड करेंगे तो सर ऐड करने पे सात नहीं आ रहा है। अब यदि हम आपसे पूछेंगे कि ये पांच के अपोजिट, पांच के अपोजिट कौन सा होगा, मतलब इस साइड वाला, देखिए इस इसके पीछे वाला, तो सीधे दो मार के आगे बढ़ जाइएगा ना। एक का अपोजिट बोलेंगे तो एक का अपोजिट छह मार के आगे बढ़ जाइएगा ना, तीन का अपोजिट बोलेंगे तो नीचे वाला चार मार के आगे बढ़ जाइएगा। नॉर्मल डाइस और ये वाला समझ गए ना। अब देखिए, अब डाइस में दो तीन तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे हम नॉर्मल एक ऐसे करके डाइस बना देते हैं, ये तीन डाइस है, ये तीन डाइस मतलब एक फिगर, दो फिगर, तीन फिगर, कभी भी डाइस में दिखाया जाएगा आपको ऊपर का तीन चेहरा दिखाया जाएगा, पीछे का तीन चेहरा नहीं दिखाया जाएगा, डाइस ही बना देते हैं, ऊपर का तीन चेहरा आपको दिखाया जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, कौन कौन, देखिए यहाँ पर इस वाले फोटो में देखिए कौन कौन आपको कितने चेहरे दिखाई दिए जा रहे हैं, तीन तीन ही दिखाई दिया जा रहा है, एक दो तीन, तो जितने भी अब सवाल बनेंगे ना उसमें तीन फिगर आपको दिखाया जाएगा, तीन फिगर दिखाया जाएगा, ठीक है, इसमें तीन फिगर आपके दिखाए जाएंगे। किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं वो देखिएगा, वो हम आपको बताते हैं सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे। अब आप उसके बाद सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। पासे में सबसे पहला लिखिएगा, पासे की दो सतह उभयनिष्ठ हो, कॉमन, टू कॉमन, हम नॉर्मल डाइस में सारा पढ़ाई अब आगे नॉर्मल डाइस का होगा, टू कॉमन सतह को क्या कहते हैं, साइड, दो सरफेस, सरफेस सरफेस सरफेस, हाँ सॉरी सरफेस सरफेस, दो कॉमन सरफेस हो, जिस जैसे कि देखिए दो कॉमन सरफेस हो, हम आपको आगे बताएंगे क्या हम बोल रहे हैं। दूसरा क्या होता है कि कोई भी सरफेस ना हो, नो कॉमन सरफेस, नो कॉमन सरफेस, नो कॉमन सरफेस, और तीसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, दो हो गया ना, वन कॉमन सरफेस, वन कॉमन सरफेस, वन कॉमन सरफेस। अब देखिए हम आपको दो पासा दिखाते हैं, इसी पे हम सारा सवाल यहां से क्लियर होगा। एक पासा दिखाई दे रहा है ना, ये दो पासा दिखाई दे रहा है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जिसमें दो, यहां पे हम लिखते हैं, देखो ऊपर वाले में लिखेंगे पांच, यहाँ पे चार, यहाँ पे दो, यहाँ पे पांच चार तीन। अब इसमें क्या देख रहे हो, इसमें दो कॉमन सरफेस आपको दिखाई दे रहा है। नॉर्मल और एक स्टैंडर्ड है, टू कॉमन सरफेस दिख रहा है, सो टू कॉमन सरफेस है, फाइव टू कॉमन, देखो दो कॉमन सरफेस दिख रहा होगा आपको, एक कॉमन, ये दो, आप प्लस आपसे एक पासा और पूछा जा सकता है, तीन तीन चार चार पासे से सवाल पूछे जाते हैं, ये ऐसे करके दो फिगर रहेगा आपके एग्जाम में। अब सवाल आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द अपोजिट सरफेस ऑफ टू, अपोजिट सरफेस ऑफ टू, अपोजिट सरफेस ऑफ टू, हो गया, पहले से नहीं उछलना चाहिए,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो कॉमन सरफेस है, पांच चार, यहाँ भी ये पांच चार है कि नहीं है। तो सीधे इस टाइप के सवाल आपसे दो पासा दिखाई देगा और इस टाइप के सवाल पूछेंगे तो सीधे दो का अपोजिट क्या हो जाएगा, तीन। क्वेश्चन पूछेगा अपोजिट सरफेस ऑफ टू, तो सीधे तीन मार्क के आंसर करके आगे बढ़ जाओगे, कर जाओगे ना। सर सर कैसे होगा, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। क्वेश्चन बस में ऑप्शन नहीं रहेगा? ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्लियर, ये कॉन्सेप्ट है, कैसे होगा इसको आपको नहीं देखना, ये कॉन्सेप्ट है। जैसे 1 + 1 = 2 होता है, तो ये कैसे होता है किसी को मालूम है? नो सर, नो सर, 1 + 1 = 3 का है, नहीं हो सकता था, 2 का है हुआ, हम 3 भी तो बोल सकते थे, पर हम बचपन से रटे हैं कि 1 + 1 = 2 होता है, 2 + 3 = 5 होता है। तो जब यही इसका भी डाइस का है, जब दो आपके पास कॉमन आ जाए, दो कॉमन आ जाए, तो आपको जो पूछा जाएगा, जो ये है 2 और जो बचा हुआ रहेगा वही उसका अपोजिट होगा। जैसे कि देखिए आगे एक सवाल और आपसे करवाते हैं, इसीलिए तो देखो डाइस का ये लाए हैं। जैसे हम सवाल आपसे पूछेंगे, देखो 1 6 3, ठीक है, 6 1 2। अब बताइए हम आपसे पूछेंगे कि 3 का अपोजिट क्या होगा। दो, पहली नजर में क्या देखना है कि सर ये स्टैंडर्ड पासा है या नॉर्मल पासा है? तो 6 3 9, 6 1 7, 6 1 7, तो ये नॉर्मल पासा है, 6 1 7 हो गया, नॉर्मल पासा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना भाई। तो अब आप देखिए इसमें कितने सतह कॉमन है, यहां पर एक छे कॉमन है ना, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट 2 और 2 का अपोजिट 3 का अपोजिट 2 और 2 का अपोजिट 3, ऐसा सवाल आएगा तो आप बनाएंगे, बन जाएगा ना। सर ये वाला एक बार फिर से समझा दो। ये वाला कॉन्सेप्ट जो अभी आपने बताया ना, तो 3 और 2 वाली बात तो समझा दी। देखो जो कॉमन रहेगा, जो कॉमन रहेगा, जो कॉमन रहेगा उसको लिख लेंगे और बाकी जो बचेगा वो उसका अपोजिट होगा, समझ गए? हम आपसे एक सवाल फिर से करते हैं, ठीक है, एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करते हैं। कैसे पासा कैसे बनाना भूल सकते हैं? सर क्यूबॉइड बनाइए ना, बन जाएगा। स्क्वायर क्यों हटा के अभी स्क्वायर? देखो डायरेक्ट हम कंफ्यूज कर गए, हम हमेशा बनाते हैं। बना तो दे रहे हैं सर। अरे ये ऐसे थोड़े बनाते हैं, बन गया सर, नीचे काट दीजिए। यस सर, वो वाला वो नहीं भाई, वो नहीं, पासा बहुत भूल गए बनाने के लिए। पर जो डाउनलोड है वही वाला लगाएंगे, उसी पे इरेज करके। सर डायरेक्ट अभी हम भूले, इतना देखो मेरा दिमाग, डाउनलोड वाला ये एक ये है, कहाँ गया कॉपी, कॉपी कहाँ गया? चलो 3 पास यहाँ, ये कितना कॉपी हो गया? ये वेराइट हो जाएगा सर। सर चलो हम आपसे सवाल करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सफेद, आप लोग बताइएगा, ठीक है, सफेद, पीला, पीला, लाल, ठीक है, लाल, सफेद, हरा, होगा हरा। हम आपसे हम पूछेंगे कि पीला हरा का अपोजिट, हरा हरा, यस तो एक इस टाइप का सवाल आएगा, ठीक है, एक इस टाइप का आएगा। सर, अब देखिए भाग कॉमन रहेगा उसको छोड़ देंगे, जो
देखते हैं ट्रायल वही उसका आंसर होगा सर। हाँ लिखना रहेगा ना कि नॉर्मल डाइट से कि स्टैंडर्ड नहीं, डाइट आपको से, देखना क्योंकि पड़ेगा, इसमें तो आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे कि हम देखिए एक बार और सवाल आपसे करते हैं, ठीक है, एक बार और सवाल करते हैं। जेड x y m x y z। अब हम आपसे पूछेंगे कि एम जेड का अपोजिट, का जेड का अपोजिट क्या होगा? जेड का अपोजिट एम होगा ना। समझ में आ रहा है? आसान है। हम यदि आपसे पूछें, यदि हम आपसे पूछें, पासा हम बनाते थे भाई, बड़ा अजीब हो गया मेरे साथ। ये देखो जो हम बना रहे हैं उसको देखना। दिखाई दे रहा है? हम आपसे पूछेंगे कि चार बिंदु वाले सतह का विपरीत सतह कौन होगा? थ्री डॉट। आप समझ गए कि क्या होता है? गुड। अब की बार हम देखिए फिर एक आपको और करते हैं, फिर एक बार और। एक इस टाइप के सवाल आया, बिंदु वाला भी आ गया, एक्स वाई जेड वाला भी आ गया, आ गया ना। अब देखिए अब की बार कैसा सवाल पूछता है, सारा तरीके के सवाल हम आपको बना देंगे। देखो ना, पढ़ने आया, पढ़ने आया गुड्डू जी। पर अब हम आपसे पूछेंगे कि हैच वाले का विपरीत सतह एट द रेट हो जाएगा ना। तो इस टाइप के कोई भी रहेगा तो आप बना लेंगे, दो कॉमन जिसमें रहेगा। हो गया सर, जीरो या स्क्वायर का नहीं पूछेगा? नहीं, उसका कभी नहीं पूछेगा, कभी आज तक इतिहास में कोई एग्जाम में पूछ भी नहीं किया। तो इसका ये बने पता भी नहीं चल सकता, इसको कोई बता भी नहीं सकता है। हम आप कोई नहीं इसको बता सकते हैं। आगे आ जाइए। अब देखिए अब क्या पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। दो कॉमन बता दिए जिसमें एक भी कॉमन ना हो, एक भी टू कॉमन साइड वाला बता दिए ना। उसके पहले एक भी कॉमन जिसमें नहीं हो वो भी बता दिए थे। ये वाला कहाँ गया? ये वाला कि इसके पीछे कोई भी हो सकता है, दो हो सकता है, चार हो सकता है, पांच भी हो सकता है, ये बताए थे ना। अब देखिए वन कॉमन सरफेस, वन कॉमन सरफेस वाला हम आपको बताते हैं। वन कॉमन सरफेस वाला बताते हैं, जैसे कि ऊपर में दो है, ऊपर में दो है, दोनों पासा में ऊपर में दो है, इसमें चार है, इसमें छ है, ठीक है, इसमें पांच है, इसमें तीन है। हम आपसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि दो के विपरीत सतह क्या होगा? हम कुछ भी पूछ सकते हैं, चार के विपरीत सतह, छ के विपरीत सतह। सर ये तो स्टैंडर्ड डाइस होगा, पहला वाला सर, नॉर्मल डाइस थोड़ी ना है। कौन? फर्स्ट वाला सर, पहला वाला सर। जब जब दो हम दे दिए है ना, दो, जब इसमें एक देखिए ये वाला क्या हो गया, ये नॉर्मल हो गया ना, तो इसको भी आप नॉर्मल के जैसा बनाएंगे, फिर इसको भी नॉर्मल के जैसा। दो डाइस हम आपके साथ दे दिए ना, एक ही साथ दो डाइस दे दिए हैं, ये नॉर्मल डाइस मान के आप बनाइए। तो सबसे पहले इस टाइप के सवाल में सबसे पहले क्या करेंगे कि एक उठाएंगे, यहाँ पे दो है ना, यहाँ भी दो है,
तो सबसे पहले दो को लिखेंगे, नीचे वाले को, एक्स वाले को, ये वाई वाले को, दोनों को। अब क्या करना है, क्लॉकवाइज में इसको चलना है। क्लॉकवाइज में चलेंगे तो सबसे पहले दो के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, चार, और चार के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, दो के बाद। इसमें क्लॉकवाइज में चलना है आपको, दो के बाद क्या दिखाई दे रहा है और इसके बाद क्या दिखाई दे रहा है। अब बच कौन गया, तो दो का अपोजिट आपका वन होगा, यहाँ दो का अपोजिट आंसर में वन होगा, चार का अपोजिट आपका पांच होगा, और छ का अपोजिट जो होगा तीन होगा। कितना आसान है, कितना आसान है। फिर से बताइए। चलिए फिर से इस सवाल को बनाते हैं। इस सवाल को फिर से बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, एक कॉमन, इसमें कितने कॉमन है, सिर्फ एक कॉमन है, एक ही कॉमन है, दो है ना भाई। जब एक ही कॉमन दो है तो सबसे पहले दो को लिखेंगे जो कॉमन है, उसके बाद पहला डाइस को देखेंगे, इसको क्लॉक वाइज में लेते हुए चलेंगे, जैसे जैसे मिलेगा लिखते हुए चलेंगे। तो कौन कौन दिखाई दे रहा है, दो के बाद हमको चार दिखाई दे रहा है, और चार के बाद हमको छह दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे इस वाले में देखिए, दो को लिखिए, सबसे पहले दो के दो सामने को लिखना है, सामने जो कॉमन है उसको लिखना है, तभी घुमाना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम पांच लिख देंगे, यहाँ पे तीन लिख देंगे, यहाँ पे जो कॉमन है उससे शुरू करना है, जो कॉमन है उससे शुरू करना है, गांठ बांध लो, जो कॉमन है उससे शुरू करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले दो लिखें, अब क्लॉकवाइज में चलेंगे तो सबसे पहले कौन दिखाई दिया, अब की बार कौन दिखाई दिया, हो गया ना। अब देखो कौन बच गया है, छह तक अंक होते हैं, कौन बचा हुआ है, वन बचा हुआ है, तो वही टू का अपोजिट सवाल पूछेगा तो वन होगा, चार का पूछेगा तो ये पांच होगा, छ का अपोजिट पूछेगा तो ये हमारा तीन होगा, समझ गए ना। तो 5 तो है ना 4 के नीचे। तो क्या दिक्कत है, हम अगर सिक्स, अगर सिक्स की जगह पर 3 रहेगा तो 3 से स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज। जैसे कि देखो, बहुत तुम लोग को कॉन्सेप्ट करवाना क्लियर होता है। देखो अब की बार क्लियर, फिर तुम्हारा क्या क्या बैकग्राउंड, हाँ अच्छा, कर नंबर चेंज करने के लिए बोल रहा है। 6 5 3, 6 4 2, बनाओ। कहे टीवी चला रहा है भाई, कहाँ मन में है। होगा सर, दोनों एक वन होगा सर, 6 का 1 होगा सर, 5 का 4 होगा, होगा 5 का 4, 3 का 2 होगा हम्म। सर, दोनों का स्टैंडर्ड है। अरे अभी ये बनाओ नॉर्मल पास आप। 6 का 1 होगा सर, और 5 का 4 होगा, 3 का 2 होगा। अब देखो यहाँ पे कॉमन पहले कौन है, छः, सिक्स। जब आपके पास सवाल में दो पासा आ जाए या तीन पासा वाला सवाल आ जाए, सिंगल पासा रहेगा, तब आप वो कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड और नॉर्मल वाला लगाइएगा। जब भी एग्जाम में दो पासा आ जाए तब आपको कॉन्सेप्ट वो नहीं दिखाना है, सवाल पे चलना है जो सवाल में दिया है उसके। तो दोनों को सबसे पहले 6 और 6 लिखेंगे ना, लिख लिए, क्लॉकवाइज में चलने के लिए बोले थे ना, तो 6 से चलेंगे तो सबसे पहले 5 आएगा ना, फिर 3 आएगा ना, फिर 6 से क्लॉकवाइज में चलेंगे तो 4 आएगा सबसे पहले, और उसके बाद 2 आएगा। तो अब की बार 6 का अपोजिट क्या होगा, हो गया ना। तो 6 का अपोजिट पूछेगा तो 1,
पांच का अपोजिट पूछेगा तो चार, और तीन का अपोजिट पूछेगा तो दो, ठीक है। और ये जो डबल सरफेस कॉमन रहेगा वो हमेशा ही नंबर वाला रहेगा, क्या रहेगा? नंबर वाला। अब कौन बचा है? अब देखो क्या क्या सवाल, क्या वन के साथ लेके कर देते हैं भाई, कर देते हैं भाई। अरे क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? कल से सवाल करेंगे सिर्फ, इसीलिए तो आज सिर्फ ये दे रहे हैं कॉन्सेप्ट, जिसका छूट गया वो चौपट हो गया समझो। अब कल पूछेगा कि सर नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको हम समझाएंगे फिर। एक चार छ, एक पांच तीन, अब पूछेगा सवाल आपसे, सबका अपोजिट बता दीजिए। वन का टू होगा, फाइव का फोर होगा, थ्री का सिक्स होगा। सबका बन गया? जानते हो अजीब हो गया, हम पासा बनाने के लिए भूल कैसे गए, कभी ऐसा होता नहीं। होते रहता है सर, होते रहता है। यस सर, बन गया सर। टू फोर का फाइव, सिक्स का थ्री। यस सर। ये कैसे? वन का टू, ये क्या? वन का टू, फोर का फाइव, सिक्स का थ्री। हो गया सर। कैसे बनाते थे हम? रोज बनाते हैं पासा भाई, संतोष नहीं हो रहा है मेरे को। चलो सबसे सबसे पहले एक, फिर चार लिखेंगे क्लॉकवाइज में, इसको घुमाएंगे, फिर कौन मिला? छह मिला। फिर यहाँ पे भी एक कॉमन है तो एक को लिखेंगे, फिर पांच लिखेंगे, फिर तीन लिखेंगे। अब आएगा आप लोग का हार्ड हार्ड सवाल, अब मजा आएगा ना। पासे की दो सतह वाला बता दिए ना, वह निष्ठ वाला एक सतह वाला भी बता दिए। एक का अपोजिट दो, चार का अपोजिट पांच, छह का अपोजिट तीन, बन गया सबसे। पानी दो, वही होगा। छ तक तो अंके होता है, तो हमको पता ही चल गया कि चार का अपोजिट पांच है, छह का अपोजिट तीन है, तो एक का अपोजिट दो ये नहीं होगा। अगला टॉपिक लिखिए, ये कहाँ से गुआ गया? चलो तुम यहीं पे रहो, अभी काम है तुम्हारा, यहाँ पे लिखो। लिखो जब पासे की क्या क्या पढ़ाया जो सब को, अरे लिखे तो नहीं होंगे, सब लिख रहे थे? पीडीएफ तो डेली लड़का भेज ही दे रहा है, जो भी नए लड़के हैं सुशांत से पीडीएफ मांग लीजिएगा, भेज देगा, उसके पास सारा पीडीएफ है। और लड़कियों में, लड़कियों में कौन से दीक्षा, हाँ उनसे मांग लीजिएगा। कहाँ से मिल जाएगा सर? और कुछ कहीं से बोले क्या? इतना बढ़िया से तो हम बताए कि सुशांत नाम का लड़का एडमिन है, उससे पीडीएफ मांग लीजिएगा, तो कहाँ से? पूरे आदित्य को भी नहीं है पीडीएफ, मेरे पे नहीं आया है। तीन या चार स्थिति दिखाया गया है, ठीक है। अब देखो, अब सवाल में मजा आएगा ना, अब तुम लोग देखो करो कैसे करते हो। इसको कॉपी, एक बार फिर कॉपी, फिर कॉपी, चार हो गया, फिर कॉपी, रुक गया, ज्यादा बन गया, ज्यादा कॉपी हो गया सर, सब ज्यादा कॉपी हो गया, तो सबको कलम कर देते हैं, काहे टेंशन ले रहे हैं, डिलीट हो जाएगा। चलो
आप बनाओ ना, आप देखते हैं कि तुम लोग क्या करते हो। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, आपके पास क्वेश्चन में भी ऐसे ही मिलेंगे। कल क्वेश्चन करवाएंगे तो देखना, क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है 1 4 5, ठीक है, छ यस सर, 4 1, एक और फिर 3 5 2। इसको रहने दो, इसका काम दो बाद में। चलो अब हम पूछते हैं, 5 के विपरीत, ठीक है। पहला क्वेश्चन, 5 के विपरीत, 1 के विपरीत, सर। 1 के विपरीत, चार फिर चार 4 के विपरीत, चार के विपरीत। दो दो आप लोग बनाओ, दो दो मिनट सर, 2 मिनट का समय बनाओ। यार समझे में कैसे आएगा? तो आ गया ध्यान दीजिएगा, कलशवाम तो समझ में आ जाएगा। सर, ठीक तो बन रहा है, इसी ने होता है पासा। नहीं सर, तो क्यों हो गया पासा भी तो एक तरह से क्यों हो सर? गया। 5 का 6 होगा, 1 का 3 होगा, 4 का 2 सर होगा। बन गया, यस सर बन गया सर, चलिए इसको बनाते हैं। कितने लोगों से नहीं बना, जरा चेहरा दिखा दो, तब ना दिमाग लगाएंगे। हाथ खड़ा सर करो। नहीं बना सर, नहीं बना? नहीं बना सर, 13 बना है लड़के, सर, 16 17 बन गया सर। 18 चेहरा देखा तो बेचती को ही रहता था, भाई बेइज्जती हम आज तक किए हैं? पढ़ाई में बेइज्जती होता थी। पढ़ाई में कभी बेइज्जती हो गया यार, बताओ। नहीं सर कभी नहीं नहीं सर, सर। नहीं तो कुछ नहीं, 22 लड़कों से नहीं बना, 23। ऐसे हाथ उठाओ, देखो। गया नहीं, सर। नहीं बना उनसे। आज बहुत ज्यादा लड़का पढ़ने आया, 71 लड़का पढ़ा। कितने लड़के ग्रुप में है जानते हो? 118, 118 है ना? सर फी ज्यादा हो गया क्या? फी ज्यादा कहाँ हुआ, अभी करेंगे ना। अब बहुत पढ़ा दिया, अब नहीं, अब ज्यादा लड़का, अब बहुत कमा लिया हम। यार कुछ ही देर पर देगा सर। अरे जरूरी, एडमिशन लो ना, प्रसाद तो खूब देते हैं। देखो एडमिशन तो तुम लोग, 1 4 यहाँ पे कॉमन दिखाई। पहले देखो तीनों में ढूंढो कि हम कैसे सुविधा हो सकता है। तो यहाँ पे 4 1 4 1 कॉमन दिखाई दिया, ये दोनों पासा में। तो सीधे 5 का अपोजिट 6 मार के आगे बढ़ जाओगे, बढ़ जाओगे ना। अब देखो 1 का अपोजिट पूछा जा रहा है ना। फर्स्ट और थर्ड को लिए हैं सर, गुड, एकदम। इतना इतना होशियार होशियार लड़का हमारे यहाँ है। बन गया सर, बन गया, सब आप ही कृपा सर। मेरा क्या कृपा, धन्यवाद सब लड़के हैं। अब देखो 1 का अपोजिट पूछ रहा है, तो इससे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि डबल कॉमन वाले में सिर्फ एक ही पता चलता है ना भाई मेरे। तो अब देखो, अब इसको करते सर। हैं, ये 5 वाले को सबसे पहले लिखते हैं और ये 5 वाले से कहानी को शुरू करते हैं। तो 5 5 से 1, 1 से 4, ये वाले में, एक वाले में, दूसरे वाले में देख, तीसरे वाले में देखते हैं, 5 5 से 3, 3 से 2। तो 5 का अपोजिट क्या हो गया? 6। यहाँ भी आ गया 5 का अपोजिट 6। और 1 का अपोजिट बोल रहा है तो 3, 4 का अपोजिट बोल रहा है तो 2। आंसर बन गया। इन दोनों से तो सवाल बन नहीं सकता था, कोई भी कॉमन नहीं है, है कॉमन? तो सवाल जब भी बनता तो ये दोनों से बनता,
और ये तीनों इससे और इससे बनता बनता कि नहीं बनता? एक सवाल ऐसा और दे, बनाएगा तुम लोग? सर फर्स्ट पासा को और सेकंड पासा को लेते तो भी आंसर आ जाता। फर्स्ट पासा और सेकंड पासा को ले तो आंसर नहीं आता, सिर्फ ये वाला आंसर आता कि 5 का अपोजिट 6 है, यही ना था भाई? बाकी उसमें दोनों में 2 कॉमन है ना दोस्त, तो दो जब भी 2 उभयनिष्ठ वाला बताए थे तो उसमें एक ही आंसर मिल सकता है ना। फिर से देखो, एक कॉपी 2 कॉपी, चलो तुम यहाँ चल जाओ, तुम भी चलो, तुम ऊपर आ जाओ, आ जाओ। अरे समझ रहे हो, जैसे कि हम आपसे सवाल किए 2, कल सवाल करेंगे तो मजा आएगा, 2 1 3 किए ना, 3 3 1 5, किसको किसको डर लग रहा था पैसा देने से पहले कि सर जी पैसा लेके भाग जाएंगे? हमको लग रहा था ना, आपकी गलती, हमने पूछा भी था कि फ्रॉड तो नहीं होगा। अरे आप ही पूछे थे ना, हाँ तभी तो मेरे को याद है, कौन आप थे जी? विशाल कुमार। हाँ ये भाई साहब पूछे थे हमसे कि सर फ्रॉड नहीं ना हो जाएगा, मतलब मेरा चेहरा है फ्रॉड वाला ना। दुनिया बहुत बदमाश है, क्या करिएगा। एक के विपरीत बन गया, 3 के विपरीत 1 के विपरीत, और आगे कुछ आएगा तो पूछेंगे आपसे। ये दोनों को पहले बनाइए, 3 के विपरीत 5 है 4 के विपरीत, बन गया सबसे? सबसे बन गया, कंफ्यूज हो गए, ये तो ना आसान आसान से तो बता रहे हैं शुरू से, इसीलिए कॉन्सेप्ट के लिए बन गया, बस यही वाला समझ में नहीं आ रहा है बस, और सब समझ में आया। किनको किनको? चलिए ना हम क्लियर कर देते हैं ना, गड़बड़ा रहा था। तीसरा वाला क्यूब समझ में नहीं आया, 3 का 6 होगा 3 का 6 होगा। सवाल में आपका 3 ऐसा दिया हुआ रहेगा, फिर आपसे सवाल पूछेगा। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि 2 का विपरीत, नहीं 1 3, 1 का 4 होगा, 2 का विपरीत, 2 के विपरीत, 2 का विपरीत। तो देखिए 2 का विपरीत, तो सबसे पहले यहाँ पर पहला देखते हैं कि सर कॉमन देखिए, 1 कॉमन भी देखिए, 2 कॉमन भी देखिए। तो सबसे पहले 2 कॉमन देखते हैं तो 3 1 और 3 1 मिल गया ना। तो जब 2 कॉमन रहता था तो हम आपको बताए थे कि जो 2 कॉमन रहेगा तो जो बचा हुआ रहेगा वो उसका अपोजिट रहेगा। तो 2 का विपरीत 5 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। हाँ अब देखिए, अब देखिए अब उस अब देखिए कि 1 3 इसमें भी 2 2 कोई कॉमन है। हाँ इस यहाँ पे देखिए 2 3 कॉमन है कि नहीं है, और यहाँ भी 2 3 कॉमन है कि नहीं है? तो 1 का विपरीत 4 होगा, और 4 का विपरीत 1 होगा, क्या हो गया ना? तो 3 का विपरीत पूछ रहा है, 3 का विपरीत पूछ रहा है ना। देखो 3 वाला भी हम लोग निकाल लेते हैं। हाँ देखो बीसी को देखो, तो 3 सबसे पहले यहाँ भी देखो, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 लिख दिए, फिर 5 लिख दिए, फिर 1 लिख दिए, फिर इसमें भी 3 लिख दिए, फिर 2 लिख दिए, फिर 4 लिख दिए। अब बताओ 3 का विपरीत कौन आ गया? 3 का विपरीत 6 आ गया, 2 का विपरीत 5 आ गया, 4 का 1 आ गया। देखो सवाल बन गया ना, तीनों डाई सेम था, तीनों डाई सेम था कि नहीं था? तब तो सेम आंसर आ गया। क्या एक बार और समझा दें?
भाई शुरू से कॉन्सेप्ट जो हम बता रहे हैं ना वो आप ध्यान नहीं दिए, शुरू से ही हम कॉन्सेप्ट इसीलिए राम राम से पढ़ा रहे थे, उस समय आप ध्यान नहीं दिए। सबसे पहले हम बताए थे कॉमन वाला, एक कॉमन वाला जिसमें एक कॉमन हो। चलिए हम शुरू से फिर से बताते हैं सबको। सबसे पहले एक कॉमन बताए थे, जैसे कि दो था, दो था, फिर यहाँ पे तीन आ गया, पांच आ गया, और यहाँ पे चार आ गया, यहाँ पर छह आ गया। तब देखिए कि सबसे पहले बताए थे दो कॉमन वाले में, तो सबसे पहले दो लिखते थे और नीचे वे भी दो लिखते थे, फिर आपका क्लॉक वाइज में चलते थे, दो चार छ हुआ ना, फिर यहाँ पर ठीक दो तीन पांच हुआ ना, ये क्लॉक वाइज में चलाना है। तो फिर चार का अपोजिट तीन बताए थे, छ का अपोजिट पांच बताए थे, तो दो का अच्छा अपोजिट क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक ये वाला क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ? इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और बताए थे, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और बताए थे, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि दो है तीन है, दो है तीन है पांच है छह है, तो बोलेंगे कि पांच का अपोजिट क्या होगा, पांच का अपोजिट क्या होगा। तो दो तीन इसमें कॉमन था, दो तीन इसमें कॉमन था, तो पांच का अपोजिट निकाल दिए थे सीधे छह। यदि बोलेगा आप हमसे पूछेगा सर कि दो का अपोजिट क्या होगा, तो हम जीवन में नहीं बताएंगे, ना आप भी बताइएगा ना कोई मास्टर बताएगा। इस वाले सवाल में तीन का अपोजिट क्या होगा तो कोई टीचर नहीं बताएगा आपको, समझ गए? अब देखिए एक हम आपको और सवाल देते हैं, फिर तीनों सवाल को मिक्स कर दिए थे, दो कॉमन वाला एक भी कॉमन वाला, तीनों सवाल हम क्या किए थे, मिक्स कर दिए थे। एक सवाल आप लिखिए, उससे सवाल उत्तर देखिए। एक सवाल दो लिखिए, दो चार तीन छः, दो चार, सोच सोच कर देना पड़ता है ना, तीनों एक ही पासा है पर उलट उलट के रखा हुआ है, ठीक है? एक दो तीन, ये तीनों जो है ना मेरे दोस्त, मेरे पास एक ही पासा था लूडो खेलने के लिए, हम तीनों को कैमरा से अलग अलग रख के फोटो खींचे हैं। अब समझे कि तीनों ये तीन पासा नहीं है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमवतन। हेलो, हाँ 68 सर, आधा लड़का, देखो आपका बेटा भा, है, आपका सॉरी पेन गिर गया मेरा, कहाँ गया कहाँ गया। चलो बनाओ तुम लोग, बनाओ तुम लोग। का गया। सभी लोगों से बन गया? यस सर, अरे बना, सब सभी से बन गया, कितने लोगों से नहीं बना? बन ना बोलो, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा अरे इस वाले अब की बार कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, हम बता देंगे कितने लोगों से नहीं बना। थोड़ा सा ट्राई करो ना, सोच, 2 मिनट का समय है, सोचो ना, कहीं जाना थोड़े है, कहीं कुछ करना है। क्वेश्चन नहीं भाई, टू का तो नहीं, टू का नहीं, टू का फाइव होगा, टू का फाइव होगा, थ्री का फोर का फाइव होगा, थ्री का सिक्स होगा, सिक्स का थ्री, थ्री का आधा लगता है कि ये तीन क्यूब में ना प्रॉब्लम हो रही, दो क्यूब में नहीं हो रहा। कौन गया सर आगे, बोल रही है सिक्स बन गया, चलो हम बनाते हैं। अब कितने लोगों से, अब फोर देख कितने लोगों से नहीं बना, किससे किससे नहीं बना, नहीं बनने वाले से पूछ रहे हैं। नहीं बना सर, नहीं बना सर, नहीं बना सर, सर हमसे भी नहीं बना, बन गया सर, बताइए सर, थोड़ा समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो आ जाओ, आ जाओ ना, समझाते हैं। अरे हम कंफ्यूजन
कहीं कुछ जाना, ट्रेन पकड़ना है किसी को, नहीं ना? तो पढ़ो, देखो क्वेश्चन में क्या बोले थे, क्या पूछे थे क्वेश्चन में हम? हाँ, तीन के अपोजिट, तीन के अपोजिट, छह वाले बिल्कुल सही है। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ दो, पहले दो कॉमन ढूंढते हैं कि किन्हीं में दो दो कॉमन है। अरे भाई सुनो तो, पहले देखते हैं कि दो दो कॉमन, किसी में दो दो कॉमन है तो यहाँ पे देखे तो दो और चार दिखाई दिया। माइक ऑफ करिए भैया। दोस्त माइक ऑफ कर दीजिए। कल वाले क्लास में फिर समझ में नहीं आ रहा जो हुलुक बुलुक कर रहा है ना क्लास से बाहर अंदर बाहर अंदर, कल का क्लास एकदम रहेगा कि बोरिंग है। दो चार, यहाँ भी दो चार दिखाई दे दिया, दिखाई दे दिया ना? तो दो चार, तो तीन का अपोजिट छः होता है। हम बताए हैं कि जब दो कॉमन रहता है, जब दो कॉमन रहता है तो जो जो बचा हुआ दोनों रहता है उसमें वो आपस में क्या रहते हैं, अपोजिट रहते हैं। एक ही पासा का है, एक ही पासा का ये तीन स्थिति है, ठीक है? अब आगे आ जाइए, और कहीं दो दो कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे को? दिखाई दे रहा है। तीन और इसका काम खत्म हो गया, अब उसको मिटा दीजिए, उसका काम खत्म हो गया। तीन दो यहाँ भी है और तीन दो यहाँ भी है कि नहीं है? तो फोर का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना भाई। तो जब तीन का छ हो गया, चार का एक हो गया, तो अब क्या बचा है? दो, तो दो का क्या हो जाएगा, दो का पांच हो गया, पांच हो जाएगा। अब देखो ये कैसे होगा, जो भी दिखाते हैं, यहाँ पे एक कॉमन ढूंढो, तो यहाँ पे एक दो है, यहाँ पर एक दो है, मतलब सेम एक ही कॉमन है, तो इससे दो कर दो, दो छः चार, दो तीन एक, छः का तीन अपोजिट आ रहा है, चार का एक अपोजिट आ रहा है, तो दो का अपोजिट पांच, एक बचा है तो पांच होगा। कितना तो आसान आसान सवाल है मेरे दोस्त, है कि नहीं है? और एक सवाल दें? जल्दी मेरे को ट्रेन नहीं, हम बहुत स्लो काम करने वाले, हम बहुत आलसी किस्म के आदमी हैं। हमारा हम आराम आराम से काम करते हैं, हम कभी क्या तो एक दो तीन, एक एक पांच दो बनाना, पांच छः, तीन स्थिति। वे भाई कने है रतन माला, कने है, कने है, कने है, किधर है, किधर किधर है, किधर है, किधर है, निकाल दें सर, निकाल दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए सर, फर्स्ट टाइम हुआ। चलो कोई बात नहीं, बनाइए। और सवाल में चार के विपरीत सतह पे क्या होगा? सबको बनाने दो, पहले आके बोल देते हो। सबको बनाने का समय दिया जाए। सुन लिए, सबको समय देंगे ना, कहीं ड्यूटी जाना है, कहीं काम करते हैं, ड्यूटी पकड़ना है कहीं, तो पढ़िए आराम से। क्या ड्यूटी नहीं पकड़ना तो आराम, रील्स आप रील्स से ही देखिएगा, नहीं तो यूट्यूब शॉर्ट्स से चलाइएगा हमारे बाद, मेरे को पता है। नहीं सर। तो पढ़िएगा,
तब बचा हुआ मेल और फीमेल दोनों याद करके आइएगा 8 बजे क्लास में, मेल फीमेल। दोनों याद करना है, फीमेल भी याद। मेल थोड़ा सा बच गया था ना, तो मेल वाला कर लेंगे, फिर फीमेल वाला करेंगे। और आज बड़ा छोटा ऊंचा भी एक बार देख लीजिएगा जो पढ़ाए थे। क्या सर ऊपर वालों से भी बीच वाले छूट जाते हैं हमेशा सर। क्या ऊपर वाले से? सर कल मेल वाला कहाँ तक हुआ था? मेल वाला 50 तक हुआ था। मेल फीमेल क्या है सर, हम लोग का नया क्लास है, थोड़ा बता दीजिए, कुछ समझाइए सर। फर्स्ट मेल स्टैटिक जीके का सवाल करवा रहे हैं ना, क्लास करवा रहे हैं ना, तो उसको हम पढ़ा चुके हैं। पर हमारे महानुभाव आप लोग इतने अच्छे स्टूडेंट हैं कि आप लोग याद नहीं करते हैं, तो वो जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले लिया कि अभी तो क्लास होगा ही, वो तो क्लास होगा ही, और 8 बजे जो है सो हम आपको रिवीजन करवाएंगे, मतलब कि याद करवाएंगे। तो जो पिछली क्लास हुआ था, जो पिछली क्लास हुआ था, अरे बोले दो, जो पिछली क्लास हुआ था उसी का रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, नोट्स से अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा पीडीएफ से, और उसको याद कीजिएगा। आपके पास अभी से पूरे पक का 4 घंटे का समय है, वापस 4 घंटे के बाद हम आपके पास मिलेंगे आपसे, फिर हमको वही याद करवाएंगे और आपसे पूछेंगे, और नहीं बताइएगा तो ग्रुप से रिमूव करेंगे। अरे ऐसा ही करना चाहिए, आप नए हैं तब ना, हम पुराने वाले को बोल रहे हैं भाई मेरे, हम पुराने वाले के लिए बोल रहे हैं। चलो अब देखो क्या रात में फीमेल वाला भी याद करना है। हाँ 4 घंटे का समय है, रट के आना है, ठीक है, बस। अरे तो आप तो उतना समझ गए, आप जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कॉमन देखते हैं, 1 2 कॉमन देखते हैं, एक पर हम देखो, हम टीचर थोड़े हैं, हम आपको बार बार बताते हैं, हम टीचर नहीं हैं, हम आपके दोस्त, हम आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं, हम आपको तो हम आपको सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, टाइम पास करवाते हैं। 1 2 1 2 कॉमन है ना, तो सीधे 3 का अपोजिट 5 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? हो जाएगा ना, हम बताए थे जब 2 कॉमन रहेगा तो जो बचा हुआ रहेगा वो आपस में क्या होगा, अपोजिट होगा। और कोई अपोजिट दिखाई दे रहा है आपको? बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, 2 और 5 दिखाई, तो सीधे 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा। 4 का अपोजिट पूछ रहा है, 4 का अपोजिट पूछ रहा है, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 4 का अपोजिट 2 आंसर बन गया ना। yes, sir, yes, sir. समझ गई ये वाला? yes, नहीं तो किसी में देखो इसमें yes, 4 का अपोजिट कैसे हुआ, हम बताते हैं ना, इसमें 2 कॉमन वाला देखो। अरे चुप रहो ना, सुनो ना भाई, सुनो ना, अरे सुनो, अब देखो यहाँ पे पहले ये दोनों क्लियर, छोड़ो 4 हम नहीं मालूम है मेरे को, जाओ जाओ, हम गुस्सा हो गया, जाओ जाओ। अब बताते हैं, अब ये दोनों तो समझ में आ गया, 3 का अपोजिट 5 और 6 का अपोजिट 1। अब सिंगल 2 कॉमन वाला का तो काम हो गया, सिंगल कॉमन वाला काम देखो, कोई एक है जो दोनों में सिंगल सिंगल कॉमन है? नजर नजर से देखो, पैनी नजर से देखो, वन वन है, सर वन लीजिए ना सर, वन लेंगे तो 1 2 कॉमन है ना भाई साहब मेरे, वन कहाँ से लेंगे? फाइव लेंगे दोस्त मेरे, एक एक दोस्त बोल रहा है 5 लेने के लिए, 5 और 2 2 2 कॉमन हो जाएगा। अब देखिए 2 लेते हैं, इतना हल्ला करता है नहीं सब,
यहाँ पे दो एक कॉमन है, यहाँ पे दो एक कॉमन है ना, और दोनों में सेम चीज कॉमन नहीं है ना। तो देखिए, सर। दो तीन एक, दो पांच छः, तो दो का अपोजिट एक और कौन सा बच गया, चार बच गया कि नहीं बच गया? अरे बच गया कि नहीं बच गया? अब ये सबसे अब की बार हार्ड सवाल। अरे समझ में आ रहा है सबको? देखो टाइम कहाँ हुआ है, कहाँ टाइम अभी हुआ है? अभी देखो टाइम नहीं हुआ है अभी। सुनो, जिसको वो होता है ना, क्या बोल रहे हैं, जिसका मैसेज आता है हुलुक बुलुक करता है उसको प्रॉब्लम होगा, जिसका मैसेज आ गया कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो वो चौपट हो जाएगा। अब बाकी पर हो, लेट नहीं, ये लोग रिप्लाई में लेट करता है तो ब्लॉक हो जाएगा ना, रिप्लाई में लेट कर देगा इसीलिए क्लास से जल्दी भागता है कि मैसेज कर देते हैं नहीं तो ब्लॉक हो जाएंगे। आ जाओ। अच्छा ये खौफ केवल लड़कों में थोड़ी है। एच जाने के लिए वही तेजी करता परसेंटेज। चलो आ जाओ, हो गया, बहुत हुआ हंसी मजाक, ठीक है बनाओ, अब इसको बनाओ ना, उसके बाद हंस लिए बहुत, अब देखते हैं कितना बनाते हो। अरे सब है ये सवाल, प्रीवियस ईयर है, काहे टेंशन ले रहे हो? यस है, छुटकी है, ये डॉलर है, I9। बनाओ, पूछते हैं सवाल। ये जो एस है ना, ये छोटा वाला एस, इसका अपोजिट स्टार होगा, स्टार होगा, स्टार 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 होगा सर, परसेंट तो हच होगा। सबसे पहले इस टाइप के सवाल में बना, क्या सबका क्या आया? चल सबके सब का सब गलते बता रहा है। अब देखते हैं, अब देखते हैं कि पहले दो कॉमन, कहीं पे दो कॉमन दिखाई दे रहा है? कहाँ दिखाई दे रहा है? मेरे को तो नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। अब सिंगल कॉमन वाला काम करते हैं तो अरे अब चुप रहो, अब मेरे को पता नहीं, तो थोड़ा सा ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, तो एक परसेंटेज के बाद हैच आया, फिर इसके बाद ये डॉलर आया, आया। अब ये वाला परसेंटेज है नाइन, इसके बाद स्टार बचा कौन? एंड बचा, वही एंड आपका आंसर हो जाएगा। क्या बोलते थे हम बार बार, एक ही हम बार बार एक ही चीज बोलते थे ना भाई, कि ये जो पासा है तीनों एक ही पासा का अलग अलग तरह से फोटो खींचा हुआ है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तब अब देखो एक और सवाल देंगे, उसके बाद बनाना, अभी बनाते चलो ना, कल के लिए छोड़ना ही क्यों है। अब देखो इसको चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, इस दोनों में कोई एक चीज कॉमन दिखाई दे रहा है? तो नाइन सबसे पहले लिखेंगे, नाइन लिख लिए, तो नाइन के बाद स्टार आएगा, परसेंट आएगा, फिर परसेंट आएगा, फिर सर इधर भी नाइन आएगा, फिर ये डॉलर आएगा, छोटकी एस आएगा, नाइन का हैच बच गया। अब ये वाला को और ये वाला को देखो सेम है कि नहीं है? यस सर।
हाँ सर सेम ही है। और सवाल बनाओगे? और सवाल बनाओगे? पढ़ने, अरे इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, तुम लोग को पढ़ने मजा नहीं आ रहा है क्या? भागने दो ना, जिसको भागना है उसको भागने दो ना। रिजल्ट लेके भी भागेगा तो हम लोग क्या दिक्कत है? फिर दोबारा 450 तुम लोग मेरे को दे रहे हो? नहीं दोगे तो एक बार तो दे ही दिए हो, तब पढ़ो या ना पढ़ो। चलो आ जाओ, एक और बनाओ। हम तो आपके लिए बोलते हैं ना भाई, कोई भी चीज ये क्या बोले जरूरी है ना, तब ना तुम अगला साल, तब ना अगला साल बिजनेस बढ़ेगा मेरा। हो गया? हाँ सर हो गया, आप स्टार्ट करिए। हम स्टार्ट ही है। अब बनाओ, हम आपसे सवाल पूछते हैं कि प्लस के अपोजिट क्या होगा। जितना खेला खेला हम पढ़ा रहे हैं ना। अरे सबको बनाने दो, फुट दुनी बोलता है, पुटुर पुटुर सब करता है बना के एकदम। बताइए ना सर, कोई कह रहा है डॉलर होगा, कोई कह रहा है अच्छा होगा, सीजीएल का सवाल था ही। हमको देना है सर। अच्छा, भाई अंतिम टारगेट नौकरी लेना है ना, क्या और कोई टारगेट बना लिए हो? एक टारगेट होगा जॉब का और दूसरा एक टारगेट होगा शादी का। अरे वही ना, तो जो चलो अब आ जाओ, छोड़ो बहुत बतियाती हो। अब देखो सबसे पहले डबल कॉमन हम लोग देखते हैं, डबल कॉमन देखते हैं। डबल कॉमन है कहीं पे? तो नहीं है तो सबसे पहले एट द रेट को लिखते हैं, क्योंकि इसमें भी एट द रेट है, इसमें भी एट द रेट है, एट द रेट लिख लिए, हैच लिख लिए, डॉलर लिख लिए, हो गया ना। क्वेश्चन लिखते जाइएगा भाई, एट द रेट स्टार परसेंट, बचा क्या? आंसर क्रॉस चेक करते हैं एक बार इसको, समझ में आ गया सर। परसेंटेज एट द रेट स्टार परसेंटेज। आप लोग बहुत से लड़के जो हो ना लेट कर दियो यहाँ आने में। दोनों कॉमन हो जाएगा, एक जैसे ही हो जाएगा। तो परसेंटेज का उल्टा डॉलर, यहाँ से इसका हैश टैग का प्लस आ रहा है ना, इससे क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा है ना। हो गया कि नहीं हो गया? एक सवाल और करोगे? और सवाल करोगे? कितना भगोरा है पहले देखते हैं। 62 78 था ना, 72 73 था, 72 से। चलो ज्यादा नहीं भागा। देखो रूप रंजन कुमार भागा ना, मैसेज ये सब कुछ नहीं। देखो गोलू 57 भागा ना, कौला रहा था ना, कौला रहा था ना भाई, कौला रहा था ना। तो अब वही सवाल सिर्फ दोहराएंगे भाई, अब तुम लोग कोई जाने हो जाओ, अभी राम राम पढ़ो ना, आ जाओ। 5 8 अपने में अपने लड़ाई झगड़ा मत करो,
भाईचारे से रहो। कभी पटना में सामने मिल रहा है कहाँ पर बोलो कहाँ। चलो अरे माइकवा ऑफ कर देंगे सबका, एकदम ढीला देने लगो तो सब सर पे चढ़। सही में तुम लोग अब करता है हल्ला ज्यादा। छोड़ दिए। चलो हल्ला मत करो, आ जाओ अब शांति लग रहा है। अब बताओ तुम लोग नौ के अपोजिट। सेवन नौ के अपोजिट तो सबसे पहले इसमें एक कॉमन क्या है, एक कॉमन क्या है इसमें, पांच कॉमन है तो पांच नौ आठ, फिर पांच सात छः, तो क्या हो गया, नौ के अपोजिट सात हो गया। नौ के अपोजिट सीधे सात हो गया, पांच के अपोजिट नहीं कोई बता सकता, नहीं कोई बता सकता। अच्छा कहाँ छः कैसे होगा, कोई नहीं बता सकता है भाई। एक और चल आ जाओ, एक अंतिम बता दो। चलो एक अंतिम बता दो, छ चार तीन, एक चार छ, बता दो एक के विपरीत। छ चार, छ चार एक का पूरी तीन। जय चलो खत्म करो कहानी। सर मेरा एक सवाल है, जिसे नहीं पढ़ाना चाहिए तो कौन करता है।